लास्ट वीडियो में मेरे से एक क्वेश्चन किया गया कि सर आप अपनी वीडियोस के अंदर फेस कैम सर्कल वाला किस तरह से लगाते हैं, जिस तरह के अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर वीडियो को प्ले करके दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर नीचे राइट कॉर्नर में हमें मेरा सर्कल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी सेम इस तरह का फेस कैम वाला सर्कल किस तरह से बना सकते हैं अपने फिल्मोरा डेन सॉफ्टवेयर के जरिए, आज की वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने लेट्स सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग फिल्मोरा डेन ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने एक अपनी वीडियो रखी हुई है, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल सा फेस कैम वीडियो है, ठीक है। और उसके अलावा मेरे पास एक ट्यूटोरियल है, ठीक है, फिल्मोरा का ही, ठीक है, जो कि हम लोगों ने रिसेंट वीडियो में कवर किया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी मैं वीडियो को एडिट करता हूँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ, यहाँ पर अपनी वीडियो को जो हमारा ट्यूटोरियल होता है उसको मैं पहले अपनी वीडियो ले वन के ऊपर ले आता हूँ, ठीक है, सो लाइक दिस, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद मैं यहाँ सिर्फ उतना ही पार्ट निकालूंगा जितना हमारा ट्यूटोरियल वाला पार्ट है, ठीक है। सो मैं यहाँ से ट्यूटोरियल वाला पार्ट निकाल लेता हूँ, ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही चाहिए क्योंकि सिर्फ आप लोगों को सिखाना है, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसके ऊपर वाली तरफ मैं अपना फेस कैम वाला फुटेज लगा देता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। अब उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखें हमारा यहाँ पर फेस कैम आ चुका है और नीचे हमारा यहाँ पर टाइमलाइन लेयर वन के ऊपर हमारा नीचे ट्यूटोरियल है, ठीक है। अब हम लोग इसका एडजस्ट किस तरह से करते हैं, यहाँ पर सिंपली मैं जाता हूँ अपने इफेक्ट्स पैनल में और इफेक्ट्स पैनल में मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ इमेज मास्क, ठीक है। जैसे ही मैंने इमेज मास्क लिखा हमारे सामने इमेज मास्क का एक ऑप्शन आ गया, आप लोगों ने सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है अपने फेस कैम के ऊपर, ठीक है। सो जैसे ही मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया हमारा फेस कैम यहाँ पर एक तरह का सर्कल बन गया, लेकिन अभी भी हम लोगों ने इसके अंदर कुछ कस्टमाइजेशन करनी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा, ठीक है, और इसके यहाँ पर वीडियो इफेक्ट्स में यहाँ पर नीचे ही आपको इमेज मास्क का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, उसके नीचे आपको डिफरेंट प्रीसेट्स देखने को मिलती हैं, आप इनमें से भी कोई से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज नीचे लास्ट में आपको कुछ सेटिंग देखने को मिलती है, इसकी एक्स वाई, इसकी विड्थ, इसकी हाइट, और इसके अंदर आप लोग अगर फेदर ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो भी आप लोग एडिट कर सकते हो, ठीक है। सो इसको सर्कल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपली इसकी जो विड्थ है इसको हम लोग कम करते हैं, ठीक है, और इसको सर्कल बना देते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर गौर करें तो मेरा जो फेस है वो इस तरफ आ रहा है और सर्कल कुछ ज़्यादा ही उस तरफ है, ठीक है। सो इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग सिंपली एक्स वैल्यू को छेड़ेंगे, ठीक है, एक्स को मैं पकड़ के इधर करूँगा तो हमारा जो सर्कल है वो एडजस्ट हो जाएगा हमारे फेस के हिसाब से, ठीक होगा जी। सो लाइक दिस, ठीक है, अब हमारा यहाँ पर सर्कल एक तरह का रेडी हो चुका है। आप लोग वाई पोजीशन को भी छेड़ कर सकते हो, इससे क्या होगा कि जो आपका ऊपर और नीचे वाला पोर्शन है वो कट होने लग जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको इतना ही रखूँगा, ठीक है, और उसके बाद हाइट को भी आप लोग इसके एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, सर्कल बना सकते हो प्योर, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद मैं सिंपली यहाँ से ओके प्रेस करता हूँ, ठीक है, और इस फेस कैम के ऊपर एक बार क्लिक करता हूँ और यहाँ से अपना फेस कैम को पकड़ कर छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर नीचे कॉर्नर में लगा देता हूँ लाइक दिस, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली दोबारा से एक दफ़ा इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से ऊपर ही आपको एक ड्रॉप शेडो का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, सिंपली मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर हमारा शेडो आ चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसके जो डिस्टेंस है इसको आप लोगों ने कम कर देना है, क्योंकि मैं भी अपने डिस्टेंस को 1 या 2 पे रख देता होता हूँ, ठीक है, इतना बिल्कुल परफेक्ट लगता है, ठीक है। सो इस तरह से करके ये चीज़ काम करती है। अब उसके अलावा कभी कभी मैं ऐसा भी करता हूँ कि यहाँ पर बॉर्डर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखें तो हमारे इसके इर्द गिर्द कोई भी बॉर्डर नहीं है, अगर आप लोग ने ज़्यादा अपीयर करना है या आप लोग को गेमिंग वीडियो के अंदर इस चीज़ को लगाना चाह रहे हैं तो आप लोगों को बॉर्डर लाजमी ऐड करना पड़ेगा। बॉर्डर ऐड करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर ऊपर सर्च करता हूँ, इफेक्ट्स पैनल में ही रहते हुए मैं ऊपर सर्च कर लेता हूँ बॉर्डर, ठीक है। जैसे ही मैंने बॉर्डर लिखा हमारा बॉर्डर आ गया, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें अपने फेस कैम के ऊपर, इसके ऊपर डबल क्लिक करें, इसके वीडियो इफेक्ट्स में जाएं और नीचे यहाँ पर आपको बॉर्डर का ऑप्शन देखने को मिलता है, सिंपली इसको एक्टिव करें, ठीक है, और नीचे आपको इसका कलर, यहाँ से आप लोग इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़ आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा फेस कैम बिल्कुल छोटा सा है तो मैं इसको 1 के करीब रखूँगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर 1 इसकी वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं मेरे इस फेस कैम के हिसाब से, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग लगा लें तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से करके मैं अपने ट्यूटोरियल्स के अंदर कभी कभी फेस कैम को लगा लेता हूँ, इस तरह से करके मैं उसको एडिट करता हूँ, इस तरह से करके उसके अंदर मैं शेप ऐड करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो सीरीज को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। उसके अलावा चैनल में सब्सक्राइब कर दें या बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि 84% चैनल के ऊपर लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। वीडियो को बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।